टाइम होता था कि लोग हमको पूछते नहीं थे। मैंने बोला था दोस्तों को कि हर पिक्चर का ना एक हीरो होता है और वो हीरो ना फिल्म का एंड करता है, वही मेरे साथ हो रहा है आप लोग की सपोर्ट की वजह। तरक्की तो ऐसी ही बढ़ेगी डार्लिंग। हिजरा है, छक्का है, मुजरा करता है, ये सब चीज करता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजा और आप देख रहे प्यारा सा यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों आज हमारे लाइफ के लिए और हमारे घर के लिए जो है एक स्पेशल डे है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो 10K स्पेशल फॉलोवर हो चुका है आप लोग की दुआ और सपोर्ट। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो रागनी भी आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोली है। तो आज जो आपकी प्यारी बहन के जो है चेहरा देख करके जो है ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जब भी रागनी का चेहरा देखकर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो ब्लॉग जो है वायरल जाता है, इसलिए आप लोग लास्ट तक ब्लॉग को देखते रहिएगा। पापा रेडी हो गए, हम लोग अभी चल रहे हैं केक लाने के लिए। और पापा का चप्पल दे देते हैं। अरे पापा चप्पल। मम्मी है और मम्मी को बोल रहे हैं कि पैसा दो, तो मम्मी एकदम गुस्सा में है। मम्मी पैसा पैसा नहीं है तो कहाँ पैसा। पापा कहिए मम्मी को पैसा देने के लिए। बोल के निकालेगा कर पैसा। बोल कर निकालेगा तो पैसा। अरे वाह, बोल कर निकालेंगे पैसा। देखिए मम्मी पापा के देखिए। हम लोग बढ़िया से तैयार हो गए। हमारे पापा अभी जाएंगे पटोरी वाला मार्केट, बढ़िया से पापा को भी घुमा देंगे, हम भी घूम लेंगे और केक भी उधर ही से लेते हैं। 10K फॉलोवर जो इंस्टाग्राम पे हो गया है तो बहुत ही ज्यादा खुशी होता है। तो केक को काटा जाएगा तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी चलते पापा के साथ, वहाँ का जो भी नजारा आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं क्योंकि ऐसा लगता है कि मम्मी के हाथों से पैसा लेता हूँ, जो भी चीज लाता हूँ हमारा फायदा होता है और मम्मी पापा का आशीर्वाद मिलता है। तो मम्मी पैसा लाओ, पैसा लाओ। देखिए जा रख लिया पैसा, पैसा लो, तेल भरा लेना। हाँ। और ये आना चाहिए, दर्द हमको दर्द हो रहा है। मम्मी का जेल है ना। हाँ। निकल के उधर से पापा चलिए मालिश करेंगे। तो अभी मम्मी का आशीर्वाद देते हैं पापा का भी। अभी निकलेगा 21 रुपया दे मम्मी। दोस्तों हम और पापा जो है पटोरी पहुंच चुके थे, अभी 3-4 एटीएम में गए, पैसा ही नहीं निकल रहा था। अभी फाइनली ये वाला एटीएम पीछे, इसमें से पैसा निकाले हैं। अभी चलिए लेते हैं केक और देखिए हमारा पटोरी मार्केट जो दिखाते हैं आप लोग। इस तरह का सीन है यहाँ का। पापा को काफी ज्यादा अच्छा लगा बाइक पे राइड करने का। अभी चलिए रास्ता का भी सीन आप लोगों को दिखाएंगे और अपना जो है पटोरी जंक्शन भी आप लोगों को दिखाएंगे। पहले जो आप लोगों को जंक्शन दिखा देते फिर उसके बाद जो है केक लेंगे, फिर केक लेने के बाद घर जाएंगे, घर जाकर फिर सेलिब्रेशन करेंगे। तो अभी हम और पापा आ चुके हैं जंक्शन पे। ये रहा जंक्शन का नजारा। आप लोग को बार बार आप लोग कमेंट करते कि भैया बाहर से ही आप दिखाते हो, अंदर नहीं लेकर के जाते हो। तो आज फाइनली अंदर लेकर चलते हैं आप लोग को और अंदर का जंक्शन का नजारा आप लोग को दिखाते हैं। छोटा सा जंक्शन है, देखिए इधर टिकट काउंटर है एकदम छोटा सा। देखो यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं, वेटिंग रूम एक तरफ से कह सकते हो आप लोग। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है पटोरी जंक्शन का। अगर आप लोग पटोरी से होंगे तो पटोरी के बारे में आप लोग को पता ही होगा बढ़िया से। एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। भविष्य में जो है ये जंक्शन काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि पीछे जो है काम चल रहा है अभी। अभी इसी जंक्शन पर जो है पापा से कुछ बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद केक लाने। कब बना था पापा जंक्शन? ये छोटे लंग था, लोकल जाने आने वाला। यहाँ आदमी लोकल आदमी आता था जाता था। अच्छा अच्छा। और रामविलास पासवान जब से बना तो कुछ ये पटोरी जंक्शन का किस्मत ही बदल के रखी। मुख्यमंत्री थे उन्हीं का देन है जो ये इलेक्ट्री का शुरुआत हुआ। अच्छा, अच्छा। और ये बड़े लाइन संचालन हो गया। अब यहाँ से जहाँ मर्जी है वहाँ से आप यहाँ पटोरी जंक्शन से गाड़ी मिल जाता है। अच्छा लग रहा है पापा के साथ। काश पापा हमारे दोस्त होते तो हम पापा घूमते ऐसे करके। तो दोस्तों कैसा लगा जंक्शन आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग पटोरी के हैं तो पटोरी के सपोर्ट कीजिएगा पापा। हाँ। पटोरी वाले सपोर्ट करें हमको सबसे ज्यादा। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर के सपोर्ट पटोरी वाले करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं केक लाने के लिए। केक लेकर के अभी चलेंगे गाँव और गाँव में सेलिब्रेट करेंगे और पापा के हाथों से कटवाएंगे केक बढ़िया से। और काफी अच्छा से एक मोटिवेशनल डायलॉग भी आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे इस ब्लॉग में, जैसा कि हर बार आपका राजा ब्लॉग करता है। तो भी चलते हैं, इसी तरह प्यार भी खेलते हैं यहाँ। और पटोरी से हैं, कई बार आप लोगों को बोले हैं कि पटोरी से तो फुल सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए। एकदम समस्तीपुर का पहला ब्लॉग चैनल है जो आगे बढ़ रहा है आप लोग के दुआ और सपोर्ट से। आ चुके हैं एक शॉप पर, पटोरी जंक्शन के सामने ही पड़ता है शॉप। तो यहाँ से केक लेंगे फिर निकलेंगे। पापा को देखिए यहाँ पे केक मिलेगा भैया बर्थडे केक क्या? नहीं नहीं सेलिब्रेशन करने के लिए। आइए जरा भी कोई भैया सिंपल में होगा जिसपे नाम हम लिखते हैं। डिजाइन मिल जाएगा आपको।
अगर आप लोग जंक्शन आते हो तो पास में इधर होटल भी पड़ता है, यहाँ रुक भी सकते हो आप लोग, सारा सुविधा हमारे पटोरी जंक्शन में। ठीक है, पापा को पसंद आ गया तो यही वाला केक लेकर चलते हैं। आज जो है पापा के पसंद का केक काटेंगे, देखिए केक जो है बढ़िया से पैक करवा लिए हैं और पापा पैसा वैसा दे दिए हैं। अभी चलिए निकलते हैं यहाँ से और बीच का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि पानी जो हम लोग के गांव में कम नहीं हो रहा है, पानी वाला नज़ारा आप लोग बहुत कमेंट करते हो अच्छा लगता है, इसलिए आप लोगों को दिखाएंगे। फिर अभी चलते हैं अभी घर, उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों रास्ते में आते वक्त जो है हमने सोचा कि आप लोग को पानी का नज़ारा दिखा दिया जाए। यह पंचायत भवन हमारे गाँव में जो बना हुआ रहता है रास्ते रास्ते में, और सामने मंदिर है, देखे पानी में किस तरह से डूबा हुआ है। तो पापा बोले कि यहाँ पे बाबू लोग को घुमा दो, थोड़ा नज़ारा दिखा दो कि गांव का किस तरह का हालात है। वैसे तो ब्लॉग में देखते रहते हो आप लोगों को, लेकिन अलग ही नज़ारा आप लोगों को दिखाने में अलग ही मज़ा आता है, क्या पापा? इसीलिए जो आप लोगों को थोड़ा बैक कैमरा से जो पूरा तरह दिखा देते कि पूरा खेत किस तरह पानी में बर्बाद हो गया है, किसानों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पे। दोस्तों देखिए जिस जगह पे हम और पापा खड़े हैं चारों तरफ पानी ही पानी है, देख लीजिए पानी है, देखिए पूरा पूरा जो है डूब चुका है मंदिर। अगर बीच में अगर गाँव भी होगा तो डूब गया होगा, देखिए वहाँ पर देखिए जैसे झोपड़ी वहाँ का डूबा हुआ है, देख लीजिए पानी। तो अभी हम और पापा जो है निकलते हैं आराम से, सही से पापा आइएगा, पानी है यहाँ पे, ठीक आराम से आइए। तो अभी निकलते हैं क्योंकि घर जाने में भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा का यहाँ से टाइम लगता है। चारों तरफ पानी है जैसे मैंने बताया ना आपको, देख लीजिए उधर भी पानी है, चारों तरफ पानी, सिर्फ रोड बचा हुआ, रोड जो ऊँचाई जगह पर बना हुआ है इसलिए जो रोड बच गया है। दोस्तों अभी जो है आ चुके हैं घर हम और पापा, और बढ़िया जो सेटअप को तैयार कर रहे हैं, देखिए वहाँ पे 3 बैलून को जो है टांग देगी, 3 ही बैलून बचा हुआ था सेलिब्रेशन का, वहाँ पे बेंच लगा दिए बढ़िया से, उस पर जो है चादर लगा देंगे, उसके बाद केक रख के जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। इस चादर से काम चलाना पड़ रहा है ब्लॉग के लिए, जिस चादर को हम बिछा कर यहाँ पे सोया करते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं तो इसी चादर को जो बेंच पे लगा दिए। डर लग रहा है कहीं टूट ना गया पापा, 3 घंटे के रास्ता से हम लोग निकल के आए, ओहो लग तो रहा है, देखिए सही है, सही है ना, चलिए बिल्कुल कंप्लीट है। हम लोग को डर लग रहा था कहीं केक ना टूट जाए बढ़िया से। टी शर्ट को जो है चेंज कर लिए हैं, देखिए रेड कलर वाला जो गुलाबी कलर का है वो पहन लिए टी शर्ट, क्योंकि इसमें कंफर्टेबल लगता है ब्लॉग शूट करने में, इसलिए जो पहन के जो है रेडी हो गए। अभी मम्मी को देखते हैं कितना टाइम लगा रही है, सेलिब्रेशन के लिए लेट हो जाएगा हम लोग को। मम्मी मम्मी आइए, टाइम निकल रहा है, आ जाइए। आपकी छोटी बहन देखिए रेडी होकर के आ गई है, और राखनी भी रेडी हो गई, अरे वाह। और मम्मी कहाँ गई, देखिए हैं मम्मी को देखिए एकदम श्री देवी लग रही है। चलिए तो जो सेलिब्रेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए सारा परिवार जो एकदम बढ़िया से रेडी हो चुका है। अच्छा लगता है दोस्तों सेलिब्रेट करने में इन सब। जब भी कोई सेलिब्रेशन ब्लॉग बनाते हैं तो मम्मी को और राघनी को रेडी होने में कम से कम 1 से 2 घंटा लग जाता है, बताइए। खाना खा लिया, दवाई खा ली, खाना खा कर नींद आ गया। अच्छा देखिए पापा भी यहाँ बैठे हुए हैं, और इसको देखिए तो हरदम मुँह फुलाए रहती है। चलो आज केक आया तो केक खाया जाएगा। और देखिए छोटू को देखिए, और 2 गो बाबू है वो स्कूल है, इसलिए मैंने सोचा कि आज 3 बजे हमारा ब्लॉग जो अपलोड होता है, लोग जल्दी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी केक जो बचा कर रख देंगे, ठीक है रागनी? देखिए सुहानी को जो एंगल सिखा रहे हैं, देखिए इसको एंगल ही समझ में नहीं किस तरह से ब्लॉग को शूट करें। ऐसे पकड़ो, ऐसे कर, ऐसे पकड़ के रखना, ऐसे करके। तो दोस्तों आप लोग के प्यार और दुआ और सपोर्ट की वजह से इतना सपोर्ट मिला कि इंस्टाग्राम पे भी जो है 10K फॉलोवर कंप्लीट हो गए, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा सेलिब्रेशन किया जाए, क्योंकि घर जो हमारा उदास रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि छोटा मोटा सेलिब्रेशन करते रहेंगे तो मम्मी पापा सब लोग खुश रहेंगे, और आप लोग का आशीर्वाद दुआ इतना ज्यादा मिलता है तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन बनता था, क्योंकि आप लोग जाकर इतना ज्यादा रील्स को भी वायरल करवाए, 1 मिलियन में रील्स जाने वाला, उस पर भी मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी अगर आप लोग नए होंगे तो इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह राजा भाई को एक बिहार से बढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बढ़ाते रहिए। तो अभी जो है केक को अभी कटवाते हैं मम्मी पापा के हाथों से, और तरक्की तो ऐसे ही बढ़ेगी डार्लिंग, माँ बाप की दुआ जो साथ है।
पर आप लोग प्यार दुलार देते रहते हैं राजा ब्लॉग को, तो छोटा मोटा सेलिब्रेशन घर में जो करते रहते हैं, इससे जो होता है कि हम आगे बढ़ने का हमको उम्मीद मिलता है। आप लोगों को भी ये लगता है कि राजा ब्लॉग जो हम कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग को कुछ करके दिखा रहा है दोस्तों। तो इसी तरह प्यार और दुलार बनाए रखिएगा हम लोग। मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मेरा भी इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोवर हो जाएगा, क्योंकि जब से मैंने टिकटॉक को खोया था तो तब से मैं बिल्कुल ही टूट गया था, क्योंकि टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत किया था और बहुत ही ज़्यादा जो दुख हो गया था हमको कि जब टिकटॉक चला गया तो कैसे मैं मेहनत करूंगा किसी सोशल मीडिया पर। तो टिकटॉक को जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो चाइनीज एप्लीकेशन था, अपना देश का नहीं था। इसलिए मैंने यूट्यूब पर मेहनत किया और यूट्यूब पर आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो आज प्यार का यही नतीजा है कि हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मम्मी पापा को खुश रख रहे हैं, दो रोटी कमा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। तो इसी तरह प्यार दुलार अपने भाई के ऊपर बनाते रहिएगा। एक टाइम हुआ करता था जब टिकटॉक पे फॉलोवर होते थे तो कई सारे लोग पूछा करते थे हमको, जब टिकटॉक बैन हो गया तो मतलब लोगों ने हमको पूछना बंद कर दिया। जो लोग दोस्त हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहते थे वो छोड़ दिए, कहते थे कि कमीना है, हिजरा है, छक्का है, मुजरा करता है, ये सब चीज़ करता है, बहुत सारी बातें ताना सुनने को मिला। बट आप लोगों ने यूट्यूब से इतना ज़्यादा प्यार दे दिया कि बस हमारा जो औकात को लेवल पर ले गए। अभी कई सारे भैया लोग मिलते हैं, उनसे प्यार करते दुलार करते, इसी तरह अपने भाई को जो आगे बढ़ाते रहे। उसी के बल पर जो हूँ मैं इमोशनल नहीं होना चाहता हूँ, बस इसी तरह अपने भाई के प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। तो बस आज का छोटा सा ये सेलिब्रेशन, आप लोगों को ये पसंद आया होगा तो जरूर कम से कम 5,000 लाइक का जो टारगेट है, लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए और फटाफट कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोग के लाइफ में ऐसा कब आएगा, कैसे मेहनत करेंगे, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो खा लीजिए, थोड़ा सा भाई के खिलाएंगे। तो नाक पर लगाते नाक बचा हुआ है नाक पर लगाते नाक बचा हुआ है देखिए जैसे पापा को बिल्कुल तोड़ दिया तो दोस्तों बस सेलिब्रेशन को जो है यहीं पे अब खत्म करते हैं, और आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 2,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। इसी तरह फैमिली ब्लॉग आप लोगों को देते रहेंगे, रिटेन करवाते रहेंगे। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो ये रहा इंस्टाग्राम पेज, जाकर इंस्टाग्राम पे फटाफट फॉलो कीजिए, वहाँ पे जो अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, ताकि भाई जो कुछ काम नहीं कर सके अपने परिवार को चला सके। अपना कीमती टाइम निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा तुम लगा लो, वहाँ भैया लोग देख लेंगे।